कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जब से लोगों को पता चला है कि कोरोना के ऊपर कोई मेडिसिन काम नहीं करती, कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, सिर्फ इम्यूनिटी स्ट्रांग होना ही इसमें से बचने का एक जरिया है, तब से लोगों को अपनी इम्यूनिटी की चिंता ज़्यादा होने लगी है। लेकिन ये इम्यूनिटी कैसे कम होती है, किन कारणों की वजह से ये इम्यूनिटी कम होती है, कैसे हमें पता चल पाएगा कि हाँ हमारी इम्यूनिटी ठीक है या फिर हमें इसको सुधारने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये समझ ले, जिन लोगों को कुछ विशिष्ट डिसीजेस होते हैं जिनको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं कोरोना में, जैसे कि हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, एज ज़्यादा होना या फिर छोटे उम्र के बच्चे, इन सब में इन डिसीज कंडीशन के वजह से या फिर एज के वजह से इम्यूनिटी कम हो चुकी होती है। अगर आपको इनमें से कोई बीमारी नहीं है, आप मिडल एज के नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है, तो आप में भी कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जो आपकी इम्यूनिटी कम करने के लिए वजह बन सकते हैं। जैसे कि मान लो आपकी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, आपकी लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है, आपकी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है, आपको अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपको अगर टोबैको, स्मोकिंग ऐसी एडिक्शंस है, तो ये चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को घटा सकती है। गौर करने लायक बात यह है कि लॉकडाउन में जैसे हम लिमिटेड हो चुके हैं अपने घरों में, फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है, अलग अलग चिंताएं दिमाग में घूमती रहती है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ चुके हैं और खाने पीने की आदतें भी लॉकडाउन की वजह से अचानक चेंज हो गई है, तो ये चीज़ें भी साइंस के मुताबिक ये पाया गया है कि इनसे भी आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। तो क्या तरीका है पता करने का कि मेरी इम्यूनिटी एग्जैक्टली कैसी है, अच्छी है या फिर कम है? कम है तो उसको बढ़ा लेने के क्या तरीके हैं? माधो बाग ने आपके लिए लाया है इम्यूनिटी मीटर। इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पे जाइए, आपके बारे में कुछ जानकारी आपको उसमें भरनी है और हमारा इम्यूनिटी मीटर आपको बताएगा कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। और घबराइए मत, अगर ये इम्यूनिटी आपकी कम निकल आती है तो उसके सुधारने के तरीके भी आपको वहीं पे सजेस्ट किए जाएंगे।